सामने आ रही हैं, हम देख पा रहे हैं गाड़ी के अंदर हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। प्रमोद आप मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रमोद बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि सीबीआई हेडक्वार्टर के पास मनीष सिसोदिया की गाड़ी पहुंच गई है। मनीष सिसोदिया बैठे हुए हैं, साथ में गाड़ी की फ्रंट सीट पे वो बैठे हुए हैं, साथ में उनके जानने वाले तीन लोग हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर पुलिस जो है उन्हें एस्कॉर्ट करके जो है सीबीआई हेडक्वार्टर के की तरफ ले जा रही है, क्योंकि सीबीआई हेडक्वार्टर के 100 मीटर की दूरी तक जो है पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। दो जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो एस्कॉर्ट करके मनीष सिसोदिया को लेके आई है, और 11 बजे का वक्त सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिया था, और यहाँ पर अब मनीष सिसोदिया पहुँचे हैं और सीबीआई की जांच टीम के सामने वो पेश होंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी आगे है, और जबकि मनीष सिसोदिया पीछे अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर वो बैठे हुए हैं। अब सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर वो जाएंगे और जांच जो अधिकारी है और जांच टीम है उनके सामने पेश होंगे, और करीब 15 मिनट बाद उनसे जो है वो सीबीआई पूछताछ करनी शुरू करेगी और उन सवालों के जवाब जानना चाहेगी जिन सवालों से अभी तक मनीष सिसोदिया का आमना सामना नहीं हुआ था, या फिर जिन सवालों के सही जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए थे, क्योंकि पहले बार हुई पूछताछ के बाद इस केस में काफ़ी सारे अपडेट हो चुके हैं, कई सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई जो है लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। इसमें जो दिनेश अरोड़ा है शराब कारोबारी जो कि काफ़ी करीबी बताए जाते हैं मनीष सिसोदिया के, वो इस केस में जो है सरकारी गवाह सीबीआई के बन चुके हैं, और तमाम बातें उन्होंने बता दी है, और इस केस में जांच काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। मनीष सिसोदिया के ऑफिस में भी ऑफिस से कंप्यूटर भी सीज सीबीआई ने किए थे, और अब उन्हीं जो जितने भी डिजिटल एविडेंस हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं उनको एग्जामिन करने के बाद, उनकी जांच करने के बाद अब मनीष सिसोदिया से एक बार फिर पूछताछ होगी, और उन सवालों के जवाब सीबीआई जानना चाहेगी जिनसे अभी तक मनीष सिसोदिया का आमना सामना नहीं हुआ था। और इसीलिए आज जब मनीष सिसोदिया आए हैं तो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता ये आशंका जता रहे थे कि आज वो उनको गिरफ्तार सीबीआई कर लेगी। अब ये देखना होगा कि सीबीआई की जांच में मनीष सिसोदिया